हाय, हम सबको एक्सेल में कंपैरिजन करनी होती है, चाहे वो जनवरी से फरवरी की कंपैरिजन हो या नॉर्थ से ईस्ट की कंपैरिजन हो या क्वार्टर वन से क्वार्टर टू की कंपैरिजन हो। किसी भी चीज की कंपैरिजन हो सकती है, तो वो कंपैरिजन को बड़े अच्छे तरीके से कैसे दिखाना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ताकि 5 मिनट के अंदर आप एक ऐसी कंपैरेटिव रिपोर्ट बना पाए जो कि ऐसी इतनी खूबसूरत दिखती है और आपके बहुत काम आती है, और आप 5 मिनट में बना के अपने रिपोर्ट्स में, MIS रिपोर्ट्स में उसको डाल सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूं। तो स्वागत है आपका माय ई लेसन में, जहां पे कि आप बहुत सारे एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक के बारे में सीख सकते हैं। और हाँ, आप हमारे कोर्सेज भी खरीद सकते हैं, और उसको खरीदने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कॉल करके हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कंपैरेटिव रिपोर्ट बनाई है। हमारे यहाँ पे देखिए कौन कौन काम कर रहा है। थॉर काम कर रहे हैं, सनी लियोनी काम कर रही हैं, आमिर कर रहे हैं, पेरिस हिल्टन, हल्क, माइक गिरविन, मेरा दोस्त है, बड़े अच्छे। और इन लोगों का ये डेटा है जनवरी का और फरवरी का। तो देखिए कैसे यहाँ पे हमको ये फर्क दिख रहा है कि जनवरी में 34 यूनिट सेल हुए और थॉर के, और फरवरी में 56। तो कैसे, ये देखिए बड़े ही डिस्टिंक्ट तरीके से आपको ये रिपोर्ट बनी हुई दिख रही है। सनी की जो सेल हुई ये जनवरी में 56 हुई और फरवरी में 45 हुई, आमिर की जनवरी में 78 और आमिर की ही फरवरी में 84। तो ये कंपैरिजन देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखता है। तो इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ना सिर्फ ये रिपोर्ट कैसे बनानी वो सिखाऊंगा, ये पूरी फॉर्मेटिंग देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हो रखी है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मैं क्या करता हूं कि यहीं पे आपको ये रिपोर्ट बनाना सिखाता। तो ये देखिए, अब यहां पे अगर हमको ये रिपोर्ट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नाम लिख लेते हैं। मैंने ये कॉपी कर लेने, सिंपल सी बात है, यहां पे मैंने ये नाम कॉपी कर रहा हूं। ऑलराइट, ये नाम मैंने कॉपी कर लिए। अब मेरे को इनका डेटा बनाना है, तो डेटा में मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए 35। हम इस बार थाउजेंड लेते हैं। ओके, 3000, 4000, 8000, 5400, 2300, 9800 और 4500। ठीक है, अब यहां पे मैं डेटा ले लेता हूं दूसरा, जहां पे कि कुछ और डेटा होगा। तो उसका देखो एक और तरीका दिखाता हूं मैं आपको, रैंडम डेटा डालने का। रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाया और मैंने लिखा कि भाई आप 3000 से लेके 10000 तक का डेटा यहाँ पे कुछ भी डाल देना रैंडम। तो अपने आप देखो ऐसा कुछ तो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो अपने आप फीड हो गया नंबर। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा और ये नंबर फिक्स कर दूंगा यहाँ पे। फॉर्मूला हटा के राइट क्लिक करके मैंने इसमें पेस्ट वैल्यूज कर दी, तो ये फॉर्मूला हट गया, सिर्फ नंबर्स रह गए। अब देखो ये बेसिक चीज मेरी तैयार होगी यहाँ पे। अब मेरे को बनाना है इसका चार्ट। ठीक है, तो चार्ट कैसे बनानेंगे हम वो भी देखते हैं। अब मैं सबसे पहले यहां पे इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा। ऑलराइट, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जाऊंगा डेटा बार्स में। डेटा बार्स में जाने के बाद मैं यहां पे कोई भी एक डेटा बार चुन लूंगा और ये मेरी डेटा बार यहां पे आ गई है। अब इसमें मैं एक बदलाव करूंगा। मैं सबसे पहले जाऊंगा वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जाऊंगा मैनेज रूल्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मैनेज रूल्स में गया मैं और एडिट रूल में गया, और सबसे पहले यहां पे ऑटोमेटिक में जाके मैंने इसको नंबर कर दिया। ऑलराइट, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को नंबर कर दिया, और मेरी लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरी, इस बार 10000 का रखा है मैंने। राइट, 10000 मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, ये मैंने यहां पे लिख दिया और मैंने कर दिया इसको ओके, अप्लाई। ये अब ऐसे बन गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारे दूसरे एरिया का। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स में जाएंगे और दूसरा कलर चुन लेंगे। अब ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, जबकि मेरे को चाहिए ऐसे पॉइंट करने वाला। तो मैं ये कैसे करूंगा, मैं वापस इसको सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मैनेज रूल्स में जाऊंगा और इस रूल को एडिट करूंगा, और
इसमें सबसे पहले मैं नंबर करूंगा यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम में, और मैक्सिमम में मेरा डेटा जो है वो है 10,000 का। और अब यहां पे देख रहे हैं बार डायरेक्शन। अब लॉकडाउन में बार का डायरेक्शन मुझे तो पता नहीं कहां पर है, यहां पे बता रहे हैं कि कंटेक्स्ट में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो मैं यहां पे राइट टू लेफ्ट ले लूंगा और ओके कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। बड़ा अप्लाई, ओके ओके अप्लाई कराते हैं। और ये देखिए, ये मेरा चार्ट रेडी हो गया, देख रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है कि इसको ऐसी ये फॉर्मेटिंग देनी है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग देना बड़ा आसान है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और वो बार वाली बात मुझे याद आ रही है। एंड बाय द वे, आप लोग जो चीज याद रखना है वो याद रखना है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को उसके बारे में बताना है, और कोर्स खरीदना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है। आप हमारे एक्सेल के कोर्सेज को खरीद सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है। अब इसमें मैं दो चीजें लिखता हूँ, तो बार की बात हो रही है तो क्वार्टर की बात भी कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्वार्टर वन, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू। ओके, अब इसको हम थोड़ा स्पेस वेस दे देते हैं ताकि इसके ऊपर हम सेट कर दें इसको ऐसे तरीके से थोड़ा सा, ये देखिए। और अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं बड़ा। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा गैप लिखे आते हैं हम, देखिए। इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको, ये अब हमारी बात बनती दिख रही है। थोड़ा सा वापस से डिलीट दबा रहा हूं इसको सेट करने के लिए, यस, ठीक है। और अब इसको हम ऐसे अलाइन कर देंगे इसके ऊपर ये, और इसका साइज कर देंगे थोड़ा सा कम। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आया हूं, इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहां ले जाता हूं, और ये देखो ये सेट हो गया। अब मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और फॉर्मेट में जा रहा हूँ और शेप फिल में जा रहा हूँ, और यहां से मैं इसको कोई भी एक शेप फिल दे सकता हूँ, ठीक है। इसको शेप फिल देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको ग्रेडियंट में चला जाऊंगा और यहां से ग्रेडियंट चल लूंगा। ये देखो थोड़ा ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो पहले और इस वाले में ये फर्क आ जाएगा, ये देखिएगा, ये ऐसा दिखेगा। क्या बोलते हैं, बन गया ना 5 मिनट के अंदर मत सा एक कंपैरेटिव एक्सेल में MIS रिपोर्ट। ये कंपैरिजन्स के लिए बहुत काम में आता है, बहुत काम में आता है। तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करें। ये शीट आपको चाहिए हो तो मेरे वेबसाइट पे जाएं, myelesson.org पे, वहां पे आपको कई तरह की प्रैक्टिस शीट्स मिल सकती हैं। कुछ शीट्स आप और हमारे एक्सेल के कोर्सेज खरीदने के लिए आप जरूर हमारे को कॉल करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, और एक्सेल अच्छे से सीखें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।